नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मेजरगंज से मेजरगंज क्षेत्र संख्या 7 से मुखिया उम्मीदवार मोनिता देवी पति सुभाष महतो युवा समाज सेवी ने निकाला जनसंपर्क अभियान। मतदाता मालिकों के लिए उनका संदेश। सुभाष महतो ने जनता से अपील की कि अपना बहुमूल्य वोट कलम और दबा छाप पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। इनका नारा है कि मेरा मिशन बंद कमीशन। आइए देखते हैं ग्राउंड कवरेज मुकेश झा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत मेजरगंज पंचायत से मुखिया उम्मीदवार सुनीता देवी पति सुभाष महतो युवा समाज सभी अभी जनता के बीच में है और जनता के बीच में वो अपनी राय को रखने जा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं सुभाष जी से कि उनका क्या कहना है इस पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में आपको क्या कहना है इस चुनाव में? जनता आपको कहाँ तक सपोर्ट कर रही है? जनता यहाँ सभी जागरूक है। 5 साल तक आज तक ले मतलब जो भी काम हुआ है कोई अच्छा काम नहीं हुआ। रोड है, नाला है, ये हाथा टोला का रोड है, उसमें जा करके देखिए किस तरह से 13-15 ईंटा लगा हुआ है, उसमें मतलब अच्छा से काम नहीं हुआ। ज्यादा पैसा मतलब उसमें मांग करने के बाद में मतलब बहुत तरह का वैसा है कि जो कि काम अच्छा से नहीं हुआ है। अगर हम जीत जा रहे हैं इसके बाद में अच्छा से काम धाम होगा। हाँ, गरीब का जितना भी अगर कोई है मतलब दुखिया लाचार है उस सब में मदद किया जाएगा। पूर्व के मुखिया पे आरोप है कि इंदिरा आवास में 20-30 हजार रुपया घूस लेता है, जीतने के बाद आप भी लीजिएगा क्या? जीतने के बाद में इंदिरा आवास में जो भी पैसा है 1 रुपया घूस नहीं लिया जाएगा। 1 पैसा लोभ हमको नहीं है। राशन कार्ड बनवाने के नाम पे उसमें भी मतलब 1 पैसा नहीं, बिना पैसा का उसमें मतलब राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। जीतने के बाद और क्या क्या कीजिएगा पंचायत में? जीतने के बाद में जितना भी है इंदिरा आवास, इसके बाद में लैट्रिन, वृद्धा पेंशन, सब में 1 रुपया किसी का भी नहीं लगेगा। 1 रुपया मतलब आपके पंचायत में कहीं भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जीतने के बाद में जो सरकारी शौचालय नहीं है मैं उस सबको बनवाऊंगा। 3-4 जगह पर मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। पेशाब घर भी नहीं है जो कि महिलाएं लोग को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का इस पे ध्यान नहीं जा रहा है सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाने का। आज तक कोई तो आप जीतने के बाद सुलभ शौचालय सार्वजनिक बनवा रहे हैं? एकदम बिल्कुल बनवा रहे हैं। 5 साल मतलब इतना दिन पहले आज तक कोई मुखिया ऐसा नहीं हुआ जो कि मतलब शौचालय बनवाया। शमशान घाट नहीं है आपके प्रखंड में कहीं भी मेजरगंज पंचायत में? शमशान घाट नहीं है, उसको भी मैं बनवाऊंगा। अब सुनने में आ रहा है कि मुखिया लोग कोई 2 लाख खर्चा कर रहा है, कोई 3 लाख खर्चा कर रहा है, कोई 1 लाख खर्चा कर रहा है, लेकिन पंचायत आपके प्रखंड में विकास कहाँ हुआ है? अभी मतलब कोई कहाँ कुछ कोई विकास नहीं हुआ है। शमशान घाट के लिए भी कोई जमीन तमीन नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, इसके लिए भी किसी को मतलब कोई चाखे नहीं है। आप ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं जनता की राय, जनता का क्या कहना है। देखिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। बताइए बताइए। मेरा मिशन बंद कमीशन, मैं अगर जीत गया 1 पैसा किसी को कमीशन तमीशन चोरी घुसखोरी सब बंद हो जाएगा, ये मेरा कहना है। मर्द का औलाद हूँ, मर्द जैसा बात करता हूँ, मैं जो कह दिया वही होवे करेगा।